वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम प्रीत तिवारी और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ ब्यूटीफुल से हेयर स्टाइल जो कि कॉलेज एंड ऑफिस गर्ल्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आप लोग को इसी तरीके की न्यू न्यू वीडियो हमेशा मिलती रहे। एंड थैंक्स फॉर कंप्लीट 50K सब्सक्राइबर, 50,000 हमारी फैमिली बन गई है यूट्यूब पे, जिसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। एंड उम्मीद करती हूँ कि आगे भी आप लोग मुझे ऐसी सपोर्ट करोगे। तो चलिए फर्स्ट जो हेयर स्टाइल है वो मैं बता रही हूँ लॉन्ग फेस के लिए। अगर आपका लॉन्ग फेस है, आप ऑफिस जाते हो, कॉलेज जाते हो, तो आप इस तरीके से कर सकते हो। आपको लेना है साइड से थोड़े से हेयर स्टाइल, सॉरी थोड़े से हेयर का सेक्शन लेना है। देन इसको टू पार्ट्स में सिंपली डिवाइड करना है एंड इसको एक नॉट लगा देनी है। ओके ओके, इस तरीके से नॉट लगानी है। अगेन थोड़ा थोड़ा हेयर दोनों साइड से लेना है। और अगेन इसमें एक नॉट लगा देनी है। आई होप कि आपको क्लियर दिख रहा होगा गाइस। अब आपको इतना ही रखना है, तो इतने पे ही आपको जितना आपका हेयर बचा हुआ है उसमें नॉट लगाते जाइए थोड़ा सा बैक तक। और सिंपली जिसको बिल्कुल भी हेयर स्टाइल नहीं आता है वो भी सिंपली चोटी बनाने नहीं आती है वो भी ये बना लेगा। देन आपको इसको बैक साइड में ले जाके एक टिक टैक क्लिप से इसको सिक्योर कर देना है। जिसका भी जब आपका लॉन्ग फेस है तो आपको हमेशा इस तरीके से साइड पार्टीशन रखना है बालों का। देन आपको क्लिप्स को हाइड ढक देना है और इस साइड से आप अपने हेयर को इसी तरीके से रख सकते हो। आपका हेयर स्ट्रेट है तो और भी प्यारा लुक आएगा। तो ये हमारा फर्स्ट हेयर स्टाइल है जो कि आप बहुत सिंपल है, ईजी है और सारे हेयर आप एक साइड में रख सकते हो इस तरीके से। और आपका लॉन्ग फेस पे ये बहुत अच्छे से सूट करेगा और बहुत स्टाइलिश सा लुक देगा। आप ऑफिस गोइंग गर्ल हो या फिर आप कॉलेज जाते हो तो आप ये वाला हेयर स्टाइल लंबे फेस के लिए ट्राई कर सकते हो। तो चलते हैं सेकेंड हेयर स्टाइल की तरफ। अगर आपका लॉन्ग फेस है और आपको बाल ओपन नहीं रखना है तो आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ से थोड़ा सा हेयर ले लेना है। थोड़ा सा हेयर लेने के बाद से इसमें एक चोटी बना देनी है। सिंपल सी एक चोटी बना लेनी है। इस तरीके से मैंने हेयर को ले लिया, थ्री पार्ट्स में डिवाइड करना है। जैसे आप सिंपल चोटी बनाते हो वैसे ही बना लेना है। चोटी पूरा एंड तक इसको गूंथ लेंगे। गूंथने के बाद से एंड पार्ट पे एक रबड़ लगा देना है। इस तरीके से पूरा गूंथ लिया मैंने। अब आपको सिंपली एक यहाँ पे एंड पे रबड़ लगा देना है। पूरा लंबा गूंथने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना सा भी आप गूंथ के ये हेयर स्टाइल कंप्लीट कर सकते हो। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे रबड़ लगा दिया है ताकि हमारी जो चोटी है वो खुले नहीं। अब आपको क्या करना है, चोटी के अंदर से इस तरीके से चोटी को थोड़ा थोड़ा सा लूज करना है एंड फिंगर को इंसर्ट करना है और थोड़ा सा हेयर लेके फ्रंट के इसके अंदर से इस तरीके से बस सिंपली निकाल देना है। फिर अगेन दूसरा लेयर लेना है और हेयर लेके इस तरीके से निकाल देना है। इसी तरीके से अपने ईयर तक पूरे हेयर को करना है। बहुत इजीली बना लोगे, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगी आपको बनाने का। लॉन्ग फेस है तो आप एक साइड से अपने लेयर को ज़रूर रखिएगा फेस पे। ओके तो इस तरीके से मैंने किया है यहाँ पे। अब आपको ये जो आपने चोटी बनाई थी इसको थोड़ा सा बैक साइड में लेके जाना है और एक क्लिप से सिक्योर कर देना है। तो है ना बहुत ही इजी सा ब्यूटीफुल सा हेयर स्टाइल जो कि लॉन्ग फेस पे जाएगा। तो ये हमारे दो हेयर स्टाइल हो गए लंबे फेस के लिए। दोनों साइड से आपके हेयर कवर हो गए हैं, ऐसे छोड़ सकते हो आप। लंबे फेस पे तो जाएंगे ही जाएंगे। अगर आपका ओवल फेस है तो भी आप ये हेयर स्टाइल बना सकते हो।
और अगर आपको इस तरीके से भी अनकंफर्टेबल फील हो रहा है तो आप सिंपली अपने बालों को ले लो, सारे बालों को इतना हेयर स्टाइल करने के बाद से देन टू पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। देन थोड़ा थोड़ा सा हेयर नीचे से लेंगे, बालों का थोड़ा सा लेयर लेके टू पार्ट्स में इस तरीके से डिवाइड करेंगे। और खजूरी चोटी बना देंगे। अगर लंबे बाल हैं तो आप ये ट्राई कर सकते हो, काफ़ी अच्छे लगेंगे। थोड़ा थोड़ा सा हेयर का पार्ट लेके इस तरीके से चोटी बनाते जाइए, जो कि काफ़ी कंफर्टेबल रहेगा आपके लिए ये हेयर स्टाइल। एंड आप कोई भी काम कर रहे हो, आपके हेयर आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे और आपको एक स्टाइलिश सा लुक भी मिल जाएगा। तो इस तरीके से जितना आप लंबा, जितना लंबी चोटी है, जितना आपको गूंथना है उस तरीके से गूंथ लीजिए। थोड़ा थोड़ा सा जितना पतला बना सकते हो उतना पतला बनाइए, उससे आपका जो लुक है वो बहुत प्यारा लगेगा। अब मैंने इतना गूंथ लिया है, यहाँ पे मैं एक रबर बैंड लगा दूंगी। देखिए इस तरीके से टाइट है तो कितना पतला चोटी दिख रहा है। तो आपको क्या करना है, रबड़ बैंड लगाने के बाद से लूज कर देना है चोटी को, इस तरीके से खींच लेना है। अगर लंबे बाल हैं तो आप ये पार्टी वार्टी में भी ट्राई कर सकते हो। दैट्स इट। तो ये हमारा थर्ड हेयर स्टाइल हो गया। ये तीनों हेयर स्टाइल लॉन्ग फेस पे काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगेंगे, ऐसे भी आप बना सकते हो ओवल फेस से, बस राउंड एंड चौकोर फेस पे ज़्यादा अच्छे नहीं लगेंगे। वैसे आप बना सकते हो चाहो तो कंफर्टेबल के लिए और स्टाइलिश लुक के लिए। तो ये हमारे तीन हेयर स्टाइल हो गए ऑफिस गोइंग गर्ल्स के लिए एंड कॉलेज गर्ल्स के लिए। इस तरीके से अच्छे से इसको खींच लेंगे। ओके तो चलते हैं फोर्थ हेयर स्टाइल की तरफ। सॉरी, हाँ, फोर्थ हेयर स्टाइल की तरफ चलते हैं। और ये काफ़ी अच्छा लगता है, अगर आपके बहुत लंबे बाल हैं तो आप इसको बनाओगे तो बहुत प्यारा सा लुक आ जाएगा। चलते हैं चौथे हेयर स्टाइल की तरफ। चौथे हेयर स्टाइल में आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ से थोड़ा थोड़ा सा हेयर ले लेना है और इसमें एक रबड़ बैंड लगा देनी है। रबड़ बैंड लगा के इसके अंदर इस तरीके से फिंगर को इंसर्ट करना है। देन ये जो आपने पोनी बनाई थी इसको इस तरीके से सिंपली खींच लेना है और इसको टाइट कर देना है। ओके अगेन आपको थोड़ा सा हेयर लेना है इस तरीके से और यहाँ पे रबड़ बैंड लगा देना है। अब इस तरीके से लगाने के बाद से अगेन इसमें फिंगर को इंसर्ट करना है और इस तरीके से पोनी को पीछे की तरफ खींच देना है। अगेन आपको थोड़ा सा लेयर लेना है। और यहाँ पे एक रबड़ बैंड लगाना है। देखिए कितना अच्छा लुक आ रहा है यहाँ पे, बहुत सुंदर लग रहा है। तो आप ये भी ट्राई कर सकते हो, अगर आप ऑफिस गोइंग गर्ल हो या फिर कॉलेज जाते हो आप तो ये ट्राई कर सकते हो। ये सारे हेयर स्टाइल ज़रूरी नहीं कि आपको ऑफिस में ही या कॉलेज में ही ट्राई करना है, आप यूँ ही पार्टी है या फिर फंक्शन है, कोई वेडिंग फंक्शन है तो आप ये ट्राई कर सकते हो। दैट्स इट। तो ये देखिए कितना प्यारा सा हमारा लुक यहाँ पे आ गया है हमारे बालों का, जो कि काफ़ी स्टाइलिश लग रहा है और मुझे बहुत अच्छा लगा स्पेशली। और ये लॉन्ग फेस के लिए बहुत अच्छा लगेगा, तो ये चारों हेयर स्टाइल आप लॉन्ग फेस पे ट्राई कर सकते हो। वाओ, अब आपको क्या करना है, सेम इसी तरीके से दूसरी साइड बनाना है। पांचवे हेयर स्टाइल में सेंटर का जो हेयर है ऐसे ही छोड़ देंगे और यहाँ पे एक क्लिप से इसको सेट कर देंगे, ताकि जब हम हेयर स्टाइल बनाएं तो ये हमको डिस्टर्ब ना करे। और हाँ, जब आप ये हेयर स्टाइल बना रहे हो तो अपने बालों से मैच होता हुआ रबड़ बैंड लीजिएगा, कोई भी रबड़ बैंड नहीं चलेगा। तो अगेन आपको यहाँ पे थोड़ा सा हेयर लेना है बालों का
थोड़ा सा हेयर लेके रबड़ बैंड लगाना है यहाँ पे भी। ओके, फिंगर को इंसर्ट करना है इस तरीके से और पोनी को पीछे की तरफ खींच देना है। जैसे हमने सेम इधर बनाया था सेम उसी तरीके से आपको दूसरी साइड भी बनाना है। अगेन फिंगर को इस तरीके से इंसर्ट करना है, देन पोनी को पीछे की तरफ से खींच लेना है और टाइट कर देना है। एक बार और इसी तरीके से लेयर लेंगे और एक रबड़ बैंड और ऐड करेंगे। ये सारे हेयर स्टाइल जिनको बिल्कुल भी हेयर स्टाइल नहीं आता है वो सारे ट्राई कर सकते हो और बहुत इजीली आप अपने बालों को एक स्टाइलिश सा लुक दे सकते हो और बालों के ही लुक पे आपका भी लुक अच्छा लगता है। तो आप ये सारे हेयर स्टाइल ट्राई कीजिएगा। आपको मेरे चैनल पे इसी तरीके की हेयर स्टाइल की वीडियोज़ मिलते रहती हैं, तो आप प्लीज़ सपोर्ट कीजिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। तो इस तरीके से हमने बना लिया है, देख सकते हो कितना प्यारा सा लुक आ गया। आपको इसके साथ क्लिप वगैरह ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली अपने बालों को इस तरीके से टाइट करके छोड़ सकते हो। अब जो आपका सेंटर का हेयर था उसको क्या करना है, इस तरीके से क्रॉस करना है एक दूसरे के ऊपर। और बहुत क्राउन एरिया तक इसको इस तरीके से बना लेना है। कॉलेज गर्ल्स के लिए काफ़ी बेस्ट रहेगा ये हेयर स्टाइल। बैक के बालों को ओपन छोड़ सकते हो और चाहो तो हाई बन बना सकते हो। तो इस तरीके से आपका पांचवा हेयर स्टाइल भी कंप्लीट हो गया है और इसी के साथ में एक हाई बन बना लेंगे या फिर हाई पोनीटेल बना लो तो काफ़ी अच्छा लगेगा। तो छठे हेयर स्टाइल में आप इस तरीके से सारे बालों को एक कॉम करोगे अच्छे से। कॉम करने के बाद से एक हाई पोनीटेल बनाएंगे। और थोड़ा सा लेयर लेके बालों का इस तरीके से रबड़ बैंड के चारों तरफ लपेट देंगे और टिक टेक क्लिप से या बॉबी क्लिप से नीचे की तरफ इस तरीके से सिक्योर कर देंगे। और ये हमारा पांचवा हेयर स्टाइल कंप्लीट हो गया जो कि काफ़ी स्टाइलिश है, ऑफिस गोइंग गर्ल्स के लिए, कॉलेज के गर्ल्स के लिए काफ़ी अच्छा लगेगा। एंड छठे हेयर स्टाइल में आपको क्या करना है, सॉरी ये छठा हेयर स्टाइल हो गया। सातवें हेयर स्टाइल में आपको क्या करना है, सातवें हेयर स्टाइल में जैसे आपने पोनी बनाई है वैसे ही रखना है, बस थोड़ा सा और पोनी को हाई करना है। देन लूज लग रहा है तो टाइट कर लीजिए। टाइट करने के बाद आपको क्या करना है, आपको बालों को थोड़ा सा बड़ा बन दिखाने के लिए और अच्छे से आपका बन का लुक आए इसके लिए इस तरीके से बालों को पकड़ना है। देन अच्छे से बैक कॉम्बिंग कर देनी है। बैक कॉम्बिंग करने से आपके बालों में एक इंस्टेंट वॉल्यूम आ जाएगा जिसको आपको क्या करना है, सिंपली ट्विस्ट करना है और इस तरीके से चारों तरफ पोनी के लपेट के इसको आप यू पिन से सिक्योर कर दीजिए। तो ये हमारा सात हेयर स्टाइल है जो कि गर्ल्स के लिए, कॉलेज गर्ल्स के लिए और ऑफिस गोइंग गर्ल्स के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा और आपको काफ़ी स्टाइलिश लुक देगा। अच्छे से यू पिन को लगा दीजिए इस तरीके से पकड़ना है, देन सिंपली सिक्योर कर देना है। तो आपको आज के हेयर स्टाइल में सबसे अच्छा कौन सा हेयर स्टाइल लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और भी इस तरीके की हेयर स्टाइल की वीडियोज सबसे पहले देखने के लिए। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और मुझे ऐसे सपोर्ट करते रहिए और मेरे दूसरे चैनल पर भी जरूर जाइए प्रीति वाई टू, जिससे सिलाई से रिलेटेड ऑल वीडियोज आपको मिल जाएंगी। एंड इंस्टा आई डी प्रीति वाई
24 है, तो वहाँ पे भी चल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।